गेट खोलो तो भैया मेरे घर पे चढ़ाई कर दी, अब हमें पता नहीं छत पे कर भी चढ़ाए और भीतर आए के मेरे बच्चान की कौड़ी भर भर के ले गए। दोनों बच्चों को पुलिस उठा करके ले गई, मुझे भी ले जाने लगी। मेरे पेट में लगी बहुत जोर से, गेट मारो मेरे धक्का लगो, आज उन्हीं की वजह से मैं अपने बच्चा खो बैठी। आप साथ है जी, हम कौड़ी कहा चाहूँ करो, हम बच्चा हजार वर्ष की नींद में दे बैठे अपनी। बहुचर्चित घाटमी काव केस में राजस्थान पुलिस नामजद आरोपियों की धरपकड़ के लिए दबिश दे रही है और 17 फरवरी को मेवात के रहने वाले श्रीकांत के घर दबिश देने के लिए पहुंची थी। इसी दौरान राजस्थान पुलिस पर श्रीकांत की मां व उसकी पत्नी के साथ मारपीट करने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत श्रीकांत की मां ने राजस्थान पुलिस के खिलाफ नुहू जिले के पुलिस थाना नगीना में दी है। नाम दुलारी जी, सुबह परसों, अच्छा जी ये तीन चार को टाइम हमें पता नहीं जी, आते ही 8-9-10 गाड़ी ही आते ही चढ़ाई करिए घर पे, आते ही कही खोल के बार खोल, मैंने कही कौन नु गेट खोल, नु भैया बताओ तो सही कौन हो कौन ना हो, नु गेट खोल जब बताएंगे, मैंने भैया बिना बताए मैं गेट कैसे खोलूं, नु खोल रहे कि ना नहीं होद मार रहे हम शीशे ने तोड़ रहे, मैंने कि तुम शीशे ने क्यों तोड़ेंगे पहले बताओ, नु हम अब चलाते हैं गोली नहीं कि तो खोलो, मैंने गेट खोलो तो भैया मेरे घर पे चढ़ाई कर दी, अब हमें पता नहीं छत पे कर भी चढ़ाए और भीतर आए के मेरे बच्चान की कौड़ी भर भर के ले गए गुड्डी पकड़ पकड़ के और मेरे भी मारे धक्का, मैं लटकी हूँ बच्चान के जैसे और मेरे आदमी भी ले गए और मेरी बहू के भी लाती, कहाँ के हैं कहाँ के ना हैं हमें नहीं पता, हम तो घबरा गए, पूछी भी मेरे बच्चा ने कहाँ ले कर जा रहे हो, कैसे कैसे है, कहाँ घटना है, कोई राज तो बताओ, नुक आंटी आप हो आना फिरोजपुर थाने में, अरे भाई तुम मेरे बच्चा ना मेरे आदमी सब कुछ उठा के ले जा रहे हो, मैं कैसे लेके आऊंगी, मैं कस के ढोरे जाऊंगी, कैसे जानू ना बूझू बड़े छोटे आदमी, मैंने कही थी मैंने बेटा बता तो दो, नुक अपने श्रीकांत बेटा हाजिर करो और अपने बच्चा ने छुड़ा लाओ और अपने आदमी को, मैंने की मेरे आदमी तो दे के जाओ, मैं कैसे लेके जाऊंगी बड़े छोटे आदमी ढोरे और मैं कहा थाने जानू फिरोजपुर के, जो मैं तुम्हें फिरोजपुर लेने आऊंगी अपने बच्चा ने, तो जब मैंने अपना आदमी गाड़ी में खेचा चलती, मेरी बहू का गेट हलहलाया आदमी के मारे एक कहीं अंदर दुबकाता ना रखा, मेरी बहू का गेट खुलो है नीक नी केवाल लगी है और उसने कहीं हट के धल लुका रखे तो पर्दा अर्दा हटाए के बाहर पीछे से, तो मेरी बहू नीक नी बेड पे गिरी है, बेड पे थे चोट आई है बच्चा, अब देखो हम कैसे करे पूरे पूरे पूरा 9 महीना को टैक्सी भी हाल तो ना खत्म होगा जी, जैसा चोट लगी है हमें नहीं पता, हम दिखाते डोले हमारे आदमी गैल नहीं, मैं ही डोली हूँ, मांडी खेरे लेके गई हूँ, मांडी खेरे तेने कह दी बच्चा में कुछ नहीं है ले जाओ लल्लर लल्लर के यहाँ लाई हूँ, खत्म ही होगा, क्या चाहते हैं हम इंसाफ चाहते हैं जी, हम कौर जी कहा चाहे हमारे इंसाफ करो कैसे करो, हम बच्चा हजार वर्ष की नींद में दे बैठे अपनी बहू है, बहू की बचने की आस ना मेरी की, अब बताओ मैं कहाँ करूँ, मेरा आदमी आदमी सब कुछ मेरे बंद पड़े हो घर पे, रात रात में हम सीधे आदमी अनपढ़ आदमी, हमें ऐसे ना पता ही हमारे घर पे छापो ऐसे गिरेंगे। श्रीकांत की माँ, उसके भाई प्रवीण और उसके पिता बालकिशन शास्त्री ने बताया कि कैसे राजस्थान पुलिस घर में घुसी और सब लोगों के साथ मारपीट, इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि इस दौरान धक्का मुक्की जब पुलिस कर रही थी तो श्रीकांत की पत्नी जो 9 महीने की गर्भवती थी उसका गर्भ भी गिर गया, जिसके बाद श्रीकांत की माता ने पड़ोसियों के साथ मिलकर अपनी बहू को अस्पताल पहुंचाया और उसका इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है, हालांकि डॉक्टरों द्वारा उसके बच्चे को नहीं बचाया जा सका है जिसको लाकर के दफना दिया गया था, लेकिन पुलिस ने रविवार शाम को शिकायत कर कार्यवाही करते हुए दफनाए गए नवजात को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए नलहड़ मेडिकल कॉलेज के शव ग्रह में रखवा दिया है, जिसका सोमवार को पोस्टमार्टम कराने के बाद दोबारा से दफना दिया जाएगा। हम रात्रि में अपने घर में सोए हुए थे, सभी घर के सदस्य, अचानक रात्रि में राजस्थान पुलिस आई और उन्होंने मेरे घर को चारों तरफ से घेर लिया, घेरने के बाद मेरे दोनों बच्चे थे जो अपने अपने कामों पर लगे हुए थे, एक बाहर नौकरी करता है और एक घर पर ही काम करता है, दोनों बच्चों को पुलिस उठा करके ले गई, मुझे भी ले जाने लगी, जैसे तैसे मेरी घरवाली ने जैसे तैसे करके मुझे बचा लिया, और जो मेरे लड़के की घरवाली थी वो पेट से थी जी, उसके भी धक्का मुक्की लगने से उसकी तबीयत बिगड़ गई और जब हम उसे नल्लर हॉस्पिटल लेके पहुँचे, क्योंकि हम तो उसके उनके उस चक्कर में लगे हुए थे, समय ही नहीं था, यहाँ कोई था नहीं, और जब नल्लर जैसे तैसे उसे और लोग ले भी गए तो वहाँ जा करके उसने मृत बच्चे को जन्म दिया।
हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि वो किस मामले में आए। वो सुबह 3:30 बजे के पास आसपास, क्योंकि मैं दूसरे गांव में रहता हूँ, तो मुझे जैसे फोन पे खबर मिली कि तुम्हारे भतीजों को उठा के ले गए, मेरी भाभी ने ही फोन किया था कि फटाफट घर आ जाओ। तो मैं जैसे ही घर पहुंचा तो मैंने पूछताछ करी है, देखा कि थोड़ा बहुत सामान वामान सब फैला हुआ है, कोई नहीं, धक्का मुक्की हुई थी जैसे भी है, उसमें जो हमारे एक ट्रेजरी भी हो गई थी, हमारा ग्रैंडसन जिसे हम अपनी गोदी में लेकर आए, पूरा बच्चा मतलब उस समय देखा नहीं जा रहा था। कल परसों फिर इनको ढूंढने के लिए निकले, कभी नगीना था ना फिरोजपुर, तो उस समय सारा दिन उसमें निकल गया। उसको हल्के हल्के दर्द चालू थे, बाद में उन्होंने नल्लड़ वहाँ मांडीखेड़ा लेके गए, मांडीखेड़ा के बाद में उन्हें हम सीधे नल्लड़ ले गए, जहाँ उन्होंने कह दिया कि बड़ा ऑपरेशन होगा, जच्चा बच्चा दोनों को ही खतरा है। तो उन्होंने जैसे भी जल्दबाजी में हमारी पुत्र वधु को तो बचा लिया, लेकिन हमारे बच्चे को नहीं बचा पाए। शिकायत दे दी गई है, एप्लीकेशन दे दी है, बाकी जो पुलिस उचित कार्रवाई, जो भी नल्लड़ में भी रिपोर्ट है सब जगह है, हमें उचित ही कार्रवाई चाहिए। मेरा नाम विष्णु है और मैं मरोड़ा का रहने वाला हूँ। 17 की सुबह अपने 17 की रात को अपने घर सो रहे थे और पुलिस आई थी हमारे घर पे, जिस हमारे घर को चारों तरफ से घेर रखा था और घर पे मतलब हमारे दरवाजा खटखटाया और उसमें बैठक में मेरा भाई, मेरा पापा और मेरी मम्मी सो रहे थे। तो दरवाजा में मेरी मम्मी ने खोला तो उनको तुरंत धक्का देकर तुरंत मतलब मेरे भाई और मेरे पापा को खोला। उसके बाद फिर वो भीतर आए, फिर उन्होंने मेरे रूम का दरवाजा खटखटाया, फिर उन्होंने मेरे को पकड़ा। उसके बाद फिर उन्होंने मेरे भाई का कमरा खटखटाया, उसमें मेरी भाभी सो रही थी, उन्होंने जैसे दरवाजा खोला उन्होंने तुरंत दरवाजा मारा उसके और वो गिर गई नीचे और वो जख्मी हो गई। और उसके बाद कुछ पुलिस वाले सिविल ड्रेस में थे और लगभग 40-50 बदले थे और हमें घर से उठा लिया और हमें सारी गाड़ी RG नंबर थी और हमें डायरेक्ट लेके यहाँ से राजस्थान पहाड़ी ले गए थे हमें और वहाँ ले जाके हमें उठा दिया। तो नहीं, हमारे साथ कोई मारपीट नहीं की थी पुलिस वालों ने वहाँ पे, लेकिन हमसे पूछताछ करी थी कि क्या रिलेशन है, क्या काम करते हो और कौन कहाँ कहाँ रिश्तेदारियाँ हैं, इस टाइप से हमसे पूछताछ करी थी। मैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन उसमें लगभग 4-5 गाड़ियाँ थी और सारी बलेरो टाइप की गाड़ियाँ थी और जिसमें RG नंबर थे सारी और लगभग 40-50 बंदे के आसपास थे। हम बहुत भीड़ थी, मतलब जिसमें सिविल ड्रेस में भी थे कुछ लोग थे, जिसमें पुलिस ले गई थी और उसमें मेरे को और मेरे छोटे भाई को उठा लिया था। वहाँ हमें पहाड़ी थाने में वहाँ ले गए थे, वहाँ हमें ले जाया गया था, हमसे पूछताछ की गई थी कि मतलब आपका क्या रिलेशन है, कौन है, क्या है, इस टाइप से हमने रिश्तेदारियों को पूछा गया था। श्रीकांत से क्या रिलेशन है, कैसे जानते हो, क्या काम करते हो, इस टाइप से हमसे जानकारी ली। वो उसमें जब वो दरवाजा खोला, दरवाजा खटखटा रहे थे पुलिस वाले, तो मेरी भाभी ने दरवाजा जैसे खोला तो तुरंत पुलिस वाले ने उसमें धक्का मारा, तुरंत मेरी भाभी 9 महीने से गर्भवती थी और उनको चोट लगी, वो तुरंत गिर गई थी, वो जख्मी हो गई थी और उनको फिर पीछे से मेरे घर वाले या मेरे फैमिली के जो चाचा ताऊ हैं वो लेके गए थे मांडीखेड़ा में उनको रेफर कर दिया, उनकी हालत नाजुक थी। और नल्लड़ हॉस्पिटल में हमारा जो बच्चा है वो एक्सपायर हो गया और हमारी भाभी की हालत नाजुक बनी हुई है। हम इस पर कार्रवाई चाहते हैं और हमारे साथ मतलब ये बहुत ज्यादा मतलब बर्बरता की गई है। श्रीकांत की मां द्वारा पुलिस को दी गई शिकायत के बारे में जब मीडिया ने नूह के SSP वरुण सिंगला से पूछा तो उन्होंने बताया कि की घटना अत्यंत दुखद एवं गंभीर मामला है, इसमें हरियाणा पुलिस राजस्थान पुलिस को पूरी सहायता दे रही है, इससे जांच ठीक प्रकार से हो, जितने भी उसके दोषी हैं उनको सजा मिले उसके लिए हम पूरी तरह से प्रयासरत हैं। हरियाणा पुलिस के ऊपर जो आरोप लगे हैं उसमें किसी प्रकार की कोई संलिप्तता पुलिस की नहीं है, लेकिन गंभीर आरोपों को देखते हुए एडिशनल SP ओशा कुंडू को इसकी जांच सौंपी गई है। इसमें जो भी तथ्य सोशल मीडिया इत्यादि से आए हैं उन सभी एंगल से उनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। इसके साथ साथ SSP ने यह भी कहा कि राजस्थान पुलिस की जांच का भी हम इंतजार करेंगे, अगर हमारी किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही मिलती है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। मरोड़ा गांव के आरोपी श्रीकांत की मां दुलारी के द्वारा नगीना थाने में शिकायत दी गई है, उसके लिए छानबीन पुलिस ने शुरू कर दी है, लगातार जांच की जा रही है, डॉक्टर की ओपिनियन के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा जितने भी आरोप लगाए गए हैं उन सभी की जांच की जाएगी, किसी राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में रेड करती है तो स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना देती है। SP नूह ने कहा कि राजस्थान हरियाणा पुलिस आपसी तालमेल से काम कर रही है, हर संभव मदद राजस्थान पुलिस को आरोपियों की धरपकड़ के लिए की जा रही है।
मैं सर प्रथम ये कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही अत्यंत दुखद एवं गंभीर मामला है और इसमें हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस का पूरी तरह से सहायता दे रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन ठीक प्रकार से हो और जितने भी इसके दोषी हैं वो उनको उसकी सजा मिले, इसके लिए हम पूरा तरह प्रयासरत हैं। जहाँ तक बात हरियाणा पुलिस के या नूह पुलिस के ऊपर जो एलिगेशन हैं, जो हमारी जानकारी में प्राप्त जानकारी से अभी तक के फैक्ट से आया है, उसमें हमारी किसी भी प्रकार की इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है पुलिस की। फिर भी क्योंकि एलिगेशन सीरियस हैं, इसलिए हमने अपने तौर पे भी हमारे एडिशनल एसपी नूह श्रीमती उषा कुंडू जी को हमने इसकी जांच सौंपी है। इसमें जो भी तथ्य है सोशल मीडिया चैनलों के ऊपर या कहीं से भी आए हैं उनके पास, तो इस संबंध में गंभीरता से जांच करते हुए इसमें जो भी सच्चाई है, अगर कोई भी लापरवाही हमारी पुलिस के द्वारा की गई है तो उसकी भी हम रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे। तो ये भी हमने अपनी तरफ से जाँच कमेटी बिठा दी है और साथ ही साथ राजस्थान पुलिस तो जाँच इसकी करी रही है, उनकी रिपोर्ट का भी हम इंतजार करेंगे कि उनकी रिपोर्ट में हमारी किसी प्रकार की अगर कोई भी नेग्लिजेंस भी आती है तो उसमें हम कार्रवाई करेंगे। जी कल शाम को हमारे को एक कंप्लेंट थाने में प्राप्त हुई है जो कि श्रीकांत जो है उनकी मदर के द्वारा, गुडारी जी के द्वारा ये कंप्लेंट दी गई है। इस संबंध में तुरंत प्रभाव से पुलिस द्वारा जाँच अमल में लाई गई है। रात को भी मेडिकल रिकॉर्ड्स के लिए और छानबीन के लिए हमारी पुलिस गई थी और आज भी वो कंटिन्यू चल रही है हमारी जांच। तो जांच के बाद डॉक्टर के ओपिनियन के बाद ही हम उसमें आगे कार्रवाई, अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। तो इसमें सभी जितने भी इसमें एलिगेशन है उस पर गंभीरता से जांच करेंगे, जांच उपरांत कुछ भी संज्ञेय अपराध हुआ तो उस पर कार्रवाई की। देखिए जब भी कोई भी दूसरे क्षेत्र की पुलिस जब किसी भी एरिया में रेड करती है तो डेफिनेटली वो लोकल पुलिस को कहीं ना कहीं इंटीमेशन देते हैं। इस प्रकार की इंटीमेशन जरूर दी गई होगी। इस संबंध में जांच चल रही है, जैसे कि मैंने बताया कि इस विषय पे इन सभी पहलुओं पे जांच की जाएगी, कौन कौन साथ थे, कौन कौन नहीं थे, और उनके बयान भी लिखे जाएंगे ताकि इस पूरे मामले की प्रॉपर तरीके से फैक्ट फाइंडिंग की जा सके। इस मामले में सबसे बड़ी बात ये सामने आई है कि आरोपी को पकड़ना पुलिस का काम है, लेकिन क्या पुलिस का काम यह भी है कि आरोपी की पत्नी के साथ मारपीट की जाए, खासकर जब वहां गर्भवती जिसके चलते उसका गर्भपात हो गया। हालांकि नूह के एसएसपी साहब ने इस मामले में कार्यवाही शुरू कर दी। उस दिन चार पांच गाड़ी आई थी और रात के टाइम आई थी, हम सोए हुए थे तो हम नींद में थे, गेट में धक्का मुक्की करी है, मेन गेट है उसमें सासू ने खोला वो गेट, उसमें सासू के लगी हुई है, सासू की गिरी हुई है, सासू के धक्का लगा हुआ है और अंदर हमारे गेट खोले हैं और फिर उस मैं गेट खोलने खड़ी हुई थी, एकदम जोर से धक्का दिया, मेरे पेट में चोट लगी, उस दिन से परेशान हूँ मैं, उसी वजह आज मेरे बच्चा मिसकोर्स हो गया, फुल टाइम था। यहाँ तो पता नहीं भैया फिर पुलिस वाले या फिर कोई और हो, राम जाने हम तो नींद में है भाई। रही दूसरी बात, यू रात माने को कौन सा मतलब रहे चेकिंग करो, अब मेरे कमरे के ड्रेसिंग तोड़े मेरे हस्बैंड को, श्रीकांत वो कह रहे थे कि वो श्रीकांत कहाँ है, मैंने कहा था बाहर है यहाँ पे नहीं है, फिर भी नहीं माने, ड्रेसिंग तोड़ दिया, मेरी गोदरेज तोड़ दी है और बेड के सराहने में डंडे मारे हुए हैं, बेड का सराहना तोड़ा है, सोफा उफा सरका के इधर, भाई सोफा के नीचे कहाँ बंदा मिलेगा, बंदा देखना तो सोफा के ऊपर देख, मेरे को धक्का मारा, मैं उसी दिन से परेशान हूँ, कभी कहीं डॉक्टर के कभी कहीं डॉक्टर के, और आज मेरी इतनी बुरी हालत हो गई, मैं अपने बच्चे को दे बैठी एक धक्के के कारण, ऑपरेशन हुआ डबल ऑपरेशन, बच्चा है ही नहीं, बच्चा खत्म हो गया, यानी अभी 10-15 दिन पहले अल्ट्रासाउंड करवाया था, वो कह रहे थे कि 20 दिन का टाइम है अभी घटना, भैया हमें नींद में, हमें ना पता टाइम की, और रही बात ऐसी 4 बजे तो पहले को टाइम हो, और हम खूबियों कह रहे भैया बात बता कहा, अरे ये देवर उठाए मेरे दोनों और हमारे ससुर उठाए, ससुर तो यूं भेज दियो कि फिर वो करने को चाहिए कोई इंग छोटे बड़े ले जाने को, भैया मेरे पेट में लगे बहुत जोर से गेट मारो मेरे धक्का लगो, आज उन्हीं की वजह से मैं अपने बच्चा खो बैठी। जब से यह मामला हुआ है तब से हिंदू संगठन लगातार राजस्थान पुलिस द्वारा दर्ज किए गए मामले को लेकर रोष जता रही है, लगातार हिंदू संगठन प्रदर्शन कर रही हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि मामले की जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, लगातार हिंदू संगठन इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से करवाना चाहते हैं। हिंदू संगठनों का कहना है कि राजस्थान सरकार रणनीति के तहत हिंदू संगठनों पर कार्यवाही करवाना चाहती है, हालांकि इस मामले में दोषी कौन है उसका खुलासा तो तभी होगा जब मामले में निष्पक्ष जाँच होगी। रिपोर्ट हरियाणा वरदान डेस्क।
देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।